सोने दो। मैं आज किसी कीमत पर तुम्हें सोने नहीं दूंगा, नींद हराम कर दूंगा तुम्हारी मक्का। बता वो आदमी कौन है? महेंद्र, मैं तुम्हें बचा लूंगा अगर तुम उस आदमी का नाम मुझे बता दो जिसने मुझे खरीदने की कोशिश की और तुम्हें खरीद चुका है। क्या हुआ? इंस्पेक्टर कैलाश नाथ तो अपनी जगह चट्टान की तरह अटल है। उस चट्टान के नीचे मेरा दायना हाथ दबा हुआ है जिसे निकालने के लिए मैं अपनी सारी दौलत की ताकत लगा देना चाहता हूं। तुम कीमत बढ़ा दो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। कुबेर का खजाना भी उसे नहीं खरीद सकता। दौलत से खरीदे जाते हैं तो सिर्फ इंसानों के जमीर, फरिश्तों के ईमान की कोई कीमत नहीं होती। प्रेम, तुम कब से सरकारी बोली बोलने लग गए? मैं सरकारी बोली नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ आपको खतरे से आगाह करना चाहता हूं। इससे पहले कि महेंद्र की जुबान खुले और हम सब की मौत का वारंट बने, हमें वही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो इस गैंग का उसूल, यानी इस गैंग के उसूलों को और हम सबको जिंदा देखना चाहते हैं तो महेंद्र को खत्म करना होगा। रामजादे, वो मेरा भाई है। प्रीतम भी मेरा भाई था, मैंने उस बिचारे को इस गैंग के उसूलों पर भेंट चढ़ा दिया। भाई होकर अपने हाथों से अपने भाई की जान ली, आज आप उसी मुकाम पे खड़े और आपका इम्तिहान है। प्रिंसिपल कभी इम्तिहान नहीं दिया करते बेवकूफ, बल्कि वक्त बेवक्त दूसरों का इम्तिहान लेकर उनकी तकदीर का फैसला किया करते हैं। आज हम तुम्हारी तकदीर का फैसला करने वाले हैं। मेरी किस्मत अब आपके फैसले की मोहताज नहीं। नमक हराम, भूल गया अपनी औकात को? दो कौड़ी का मामूली आदमी था तू, तुझे मैंने दोस्त बनाकर इतने साल रखा। अस्तीन के साबाश तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर पिस्तौल ताने खड़ा है? पर याद रख, जो सांपों को पालते हैं उनके दांत तोड़ना भी जानते हैं। तुम भूलते हो दीवान, सांपों को पालने वाले हमेशा सांपों के डसने से ही मरते हैं। आज मैं हर चरास्ते पे जख्मी सांप की तरह फन फैलाए तुम्हें डसने के लिए खड़ा रहूंगा। गुड बाय। You bloody bastard! कौन है वो आदमी जिसके पीछे तू फांसी के तख्ते पर चढ़ने से भी नहीं डर रहा? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। मालूम है तुम्हें, और आज मैं पूछ कर ही रहूंगा। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, मुझे सोने। नायक, इसे सोने मत देना। उसे सोने दो इंस्पेक्टर, और तुम भी आराम करो। कौन हो तुम? वो भी मालूम हो जाएगा, पहले मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। अगर तुमने महेंद्र को कुछ देर और जगाए रखा तो घर पहुंचते ही तुम्हारी नींद हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। सुंदरी आंटी के वहां देखा? हाँ माँ, बिल्लू आ भी नहीं है। क्या हुआ? बिल्लू अभी तक स्कूल से नहीं आया। आस पड़ोस में देखा? सब जगह देखा, कहीं कुछ पता नहीं चला। मेरा तो जी घबरा रहा है। भगवान के लिए कुछ कीजिए ना भगवान। देखो, तुम घबराओ नहीं, बेटे को ढूंढिए। हेलो कैलाश नाथ, तुम्हारी जिद की सजा मैंने तुम्हारे बेटे को दी है। दरवाजा खोल कर देखो, ये मेरे कहर का पहला नमूना है। उसे छोड़ना मत। अब हर किसी नहीं छोड़ूंगा, एक एक को फांसी के तख्ते पर लटका कर ही दम लूंगा।
ये क्या, आज भी सरकारी काम? अरे छोड़ो इसे। हैप्पी बर्थडे बबलू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। बेटे अंकल को भी थैंक यू बोलो। थैंक यू अंकल। भाई साहब बहुत देर कर दिया आप लोगों ने आने में। भाई मैं तो बहुत देर से अटेंशन खड़ा था, मेम साहब प्यार हो रही है लेकिन नौबत ही नहीं आती। दफ्तर से खुद लेट आई और इल्जाम मेरे ऊपर। और नहीं तो क्या, हार मिलता था तो जूती नहीं मिलती, साड़ी मिलती थी तो मैचिंग ब्लाउज नहीं मिलता। एक घंटा लगाया है मेम साहब ने सिर्फ मांग में सिंदूर भर। सिंदूर डालते वक्त तो आजकल मेरे हाथ कांपने लगते हैं। इन्हें मेडल क्या मिला है, हर वक्त मेरी जान तलवार की नोक पर धरी रहती है। अरे मेरी बीवी होकर मौत से डरती हो? जिस शान और इज्जत से मुझे ये मेडल मिला है, वक्त पड़ा तो उसी शान और इज्जत की मौत भी मरूंगा। और फिर तुम्हें किस बात का डर? अगर मुझे कुछ हो भी गया तो हमारे ये तीन शेर तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मुश्किल हर मुसीबत का सामना करेंगे। क्यों, ठीक है ना? क्या उलझुल बातें कर रहे हैं आप, कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें मत कीजिए। अरे अरे अच्छा बाबा अब नहीं करेंगे बस। डैडी ये मेडल दो ना मुझे। कौन से वाला? ये। अबे ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, बहुत मेहनत की है इसके लिए हमने, समझे? डैडी दे दो ना मेडल बेचारे को। डैडी दे दो ना। तो ठीक है तुम लोग लाके दे दो। देते हो क्या? नहीं। अरे अच्छा भाई यार ये लो, देते हैं। ले लो, लेकिन सुनो इसको देना नहीं किसी को है। हाँ, और ये जो पुलिस अंकल है ना उनको भी नहीं देना। वर्षा बबलू बिल्लू ने खाना खा लिया? नहीं, मम्मी का इंतजार करते करते ऐसे ही सो गए। कहा था जल्दी आ जाना, वहीं जाकर बैठे। आ गई मम्मी? हाँ ठीक है, दरवाजा मैं खोलता हूँ, तुम ये बाल्टी उठाकर बाथरूम में रख दो। अच्छा। कौन हो तुम? वही जो बार बार तुम्हें टेलीफोन पर खतरे से आगाह करता रहा मगर तुम अपनी हरकतों से पास नहीं आए, वही जिसके भाई को तुमने फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। शट अप, मैंने कानून का तकाजा और अपना फर्ज पूरा किया है और अब मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। रवि गोली मत चलाना।
अंधा हो गया है, दिन में भी दिखाई नहीं पड़ता, देख तो क्या पड़ा। अरे चल 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 अरे अरे तो ये तो जिंदा है। उठा उठा क्यों मन ना परेशान कर रहे है। अरे खा ले बेटा। अरे अति बार कह रही हूँ, देख मून खावे ना कितो शानो बेटा, तू को नहीं खावे। अरे खा ले रे, अरे खा ले। तू कौन कौन है बे तू? अरे ठगाई कर रहे है, मारा बेटा के खाने पर नजर लगावे। अरे भाग अटो भिखारी खाई रही को। अरे देख बेटा खा ले, भिखारी लोग भी आता लग गया। बेटा मैं तुम्हें एक रुपयो दे, खा ले तू। अगर तू को नहीं खावे ना तो मैं सगड़ो को सगड़ो खानो मून न दे दे। अरे अब तो खा ले। अरे क्या ना मारी छाती पीट है। बेटा इतनी सी उम्र में हाथ इतने लंबे हो गए हैं, जवानी में तो तू आसमान के तारे तोड़ने लग जाएगा। मुझे भूख लगी है। कोई बात नहीं, खा ले, जी भर के खा ले। आज के बाद तू कभी भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि मैं तेरी रग रग में वो फितरत भर दूंगा कि तू जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह होगा। तकदीर तेरे बस में होगी और दौलत तेरी मुट्ठी में। अजीब दस्तूर है हमारी इस दुनिया का, हम पुलिस और कानून को तो धोखा देते हैं लेकिन खुद धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ? और कानून को धोखा देने वालों को जो धोखा देता है, एक दिन जिंदगी उसे धोखा दे जाती है। क्यों लिली, ठीक है ना? खैर शक्ति, इस आदमी को गौर से देखो। इसका नाम रॉबर्ट है,
ये 50 लाख के हीरे लेकर कल फ्लाइट नंबर 427 से बॉम्बे आ रहा है। देख क्या हमारा कोड है, लिली बेवफा हो गई, और उसका जवाब है तो उसका वक्त पूरा हो गया। क्या हुआ, हीरे मिले? नहीं, सब पैसेंजर्स चेकअप हो गए हैं पर रॉबर्ट का कोई पता नहीं। ठीक है, मैं देखता हूँ। शक्ति, तुम्हारा जाना खतरे से खाली नहीं, वहाँ पैसेंजर्स कम और पुलिस ज्यादा है, बेहतर है कि तुम चले जाओ। क्या हुआ? अरे भाई सेठ जी गैस पे हैं, इन्हें हीरे चाहिए, हीरे दे दो। हीरे आपको मिल जाएंगे सेठ। कब मिलेगा? जब हम मर जाएगा। ये कोई धंधे की रीत है? हमने सैकड़ों रुपया दिया है, कांच का टुकड़ा भी नहीं मिला। हमें माल चाहिए, माल। ये लो रुपए और निकल जाओ यहाँ से। चोर बाजार के चोर व्यापारी, तुम क्या समझते हो यहाँ चोरी का माल मिलता है? दीवान जी, हम तो साला दीवाना है, आप तो अकलमंद है। नहीं, गुस्सा धंधे का दुश्मन है। और तू अकल का दुश्मन है। हीरे खरीदने से पहले बेहतर होगा कहीं से थोड़ी सी तू अकल खरीद ले। तुम समझते हो तुम रुपया पहले देकर मेहरबानी करते हो? एहसान हमारा है जो हम अपनी जान की बाजी लगाकर सच्चे और असली हीरे देते हैं। कोई खेल तमाशा नहीं करते। तमाशा तो हाँ, तो हिंदू भाइयों को मेरा राम राम, मुसलमान भाइयों को मेरा सलाम। तो लो मेरे मेहरबान कदरदान ब्रादरान, जिंदगी में आपने एक से एक गारोड़ी मदारी देखे होंगे, एक से एक जादू के खेल देखे होंगे, मगर आज का खेल सबसे निराला है, क्योंकि इसको पेश करने वाला है जुल्फू मदारी काली माटी वाला। ये लड़की बोलो, जो पूछूंगा बतलाएगा? बतलाएगा। तू रास्ते में खेल तमाशा क्यों दिखाता है? दो वक्त की रोटी के लिए। और हम दो वक्त की दारू के लिए। ये लड़की बोलो, ये सब क्या करता है? बेकार है। मतलब जिंदगी से बेजार है। क्यों? किस्मत की मार है, फिल्म का बुखार है, बाप का पैसा चुरा के हीरो बनने आया था, जीरो बन गया। पर अभी भी अपने आप को राजेश खन्ना समझता है। ए, तू अपने आप को ममता जी से बदला? ए जवान सवाल के, अब उनका नाम नहीं मालूम है क्या? तेरा नाम क्या है? रामदेव। देखो भाई लोग, तू हाथी बनना चाहता है, वो तो मेरा नेम साफ कर रहा है। अरे मैं तेरा नाम पूछता हूँ। अरे कहा ना रामदेव। तू तो फिर बिजली कहाँ है? प्रेम दीवाना।
देख कर तुझको चंचल हिरनिया हो गए खुद ही कायल शिकारी। देख कर तुझको चंचल हिरनिया हो गए खुद ही कायल शिकारी। झूठे तन के हैं नारायण राखो न मिले कोई मन का पुजारी। किस्मत दम है चूस सके तन तेरा जो यहाँ। कब से नजर ढूंढे कोई ऐसा दीवाना देख जिसे गाए दिया प्रेम तराना। आएगा रे आएगा एक दिन वो जमाना संग तेरे होगा तेरा प्रेम दीवाना। ओ बाबूजी, ओ बाबू, इतना जान भगवान आपका भला करे सेठ जी। अरे दस पैसा देगा गरीब दुआ करेगा तुमको। हाँ हाँ ओ बाबू देना कुछ। भाई साहब हाँ। दस्ते का माल अकेले पी जाओगी गलियों की रानी, मेरा हिस्सा तो देती जाओ। ये हट चटनी के हटा टा नहीं तो तोड़ के रख दूंगी। लंगड़ा कर दोगी रानी तो मैं तुझे घर कैसे ले जाऊंगा। अरे घर ले जाना अपनी जोरू को, मैं तो तुझे कब्रिस्तान भेजूंगी वो भी खटिया पे लिटा के। बहुत मजा आएगा। आया ना मजा। अरे उठना ना, अरे तुझे खाड़ू। अरे वाह बाबू, तुमने तो साले का सुपड़ा साफ कर दिया। हरामी, होकर की खाने की सोचता था। हमेशा के लिए नसीहत हो गई, अब ये तुम्हारे मुंह कभी नहीं लगेगा। तुमने तो टाइम पे आके बचा लिया बाबू, तुम्हारा बहुत बहुत एहसान। इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। पीछे सो जा रहा, चल बाजूबाज अभी तुमको पंप रे गए पंप। वो तुमको घर में मिलेगा मैन, अभी इधर से 1 2 3 हो जाओ, नहीं तो शंकर तुमको कॉफिन में डालकर कब्रिस्तान भेज देगा। क्या शंकर वापस आ गया? मैन व्हाट मैन, उठ जाओ इधर से, चलो अभी फूटता है, अभी फूटता है। ए पापलेट नहीं लेगा क्या रे? चाहे तो चार्ली को दे दे। अजय अबे जाता का चूहे की औलाद। चूहा नहीं, मेरा बाप मदर ही था। नहीं तेरा बाप तो वो है जिसके कहने पर तूने मेरे खिलाफ पुलिस में झूठी गवाही दी थी। अरे कौन है वो? कोई नहीं था, कोई नहीं था। तेरी झूठ। अरे नहीं जी, शराब पिला कर प्रेम आवजा जो कहा था मैंने बता दिया। प्रेम आवजा कर चाहिए, वो अकेले मेरे आदमी को मार के चला गया और तुम चूड़ियां पहनकर बैठे रहे। आराम से रहो, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ निकल जाओ।
ढूंढ के लाओ उसे। प्रेम डार्लिंग, जब देखो इन लोगों पे बरसते रहते हो, कभी हम पे भी प्यार की बारिश किया करो। क्या बात, बहुत बेकरार। करार तो तुम्हारे प्यार से ही मिलता है। प्यार भी मिलेगा और करार भी। डार्लिंग, तो फिर देर किस बात की। बहादुर सिंह, बहादुर सिंह, बहादुर सिंह, तुम? हाँ, तुम्हें मेरी तलाश थी ना, और मैं तुम्हें ढूंढता हुआ अपने आप तुम्हारे पास चला आया। मैं तुम्हें यहां से वहां पहुंचा दूंगा जहां से कभी कोई वापस नहीं आता। नहीं, वापस जाने की उम्र तुम्हारी है सेठ, मेरी नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था, पिस्तौल जेब में रख लो। बहादुर सिंह, उजाला करो। देखो घर में मेहमान आए। रोजी डार्लिंग, जाम बनाओ। शंकर, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूं। बहुत खूब, झूठी गवाही तुमने दी, जेल तुमने भिजवाया, और जब दुश्मन बनकर हारने लगे तो दोस्त बनाकर जीतना चाहते हो। नहीं, मैं तुम्हें जीतकर एक पुराने दुश्मन को हराना चाहता हूं। अगर सौदा मंजूर हो तो जाम उठाओ, ये लो। लेकिन एक बात याद रखना सेठ, मैं जितना अच्छा दोस्त हूं उससे ज्यादा खतरनाक दुश्मन। वो तो मैं देख ही चुका हूं, लेकिन अब तुम्हें मुझे उस हरामजादे से बचाना होगा। तुम क्या जानते हो, मैं वो जानना चाहता हूं। ये थोपड़े अगर इसी तरह कुछ दिन और लटके हुए रहे तो मैं बहुत जल्द झोपड़े में पहुंच जाऊंगा। दीवान जी, मैं रॉबर्ट से हीरो का पता लगाने की कोशिश करता हूं, आप कुछ दिन सब्र कीजिए। कुछ दिन और सब्र, तुम्हारे सब्र का अंजाम क्या होगा जानते हो? धंधा ठप, लाखों का नुकसान, बाजार में बदनामी की अलग। आपकी बदनामी मतलब शक्ति की हार, और शक्ति हारने का कायल नहीं। अगर रॉबर्ट मौत के मुंह में भी अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा होगा, हीरो का पता बताए बगैर वो मर नहीं सकता। बताओ वो हीरे कहां है जो तुम हांगकांग से लेकर चले थे? हीरे? हीरो से मेरा क्या वास्ता? बंदा परवर, मैं तो अपनी महबूबा से मिलने हांगकांग गया था। और कब तक झूठ बोलते रहो, जब तक कि आप थक न जाए। थक के मुजरिम टूटते हैं, पुलिस वाले नहीं, और एक दिन तुम भी टूट जाओ। हजूर, ये बात तो आप मुझे कल भी कह चुके हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। बंद कर दो इसे। गला छोड़ रहे हैं, जब देखो पीछे पड़ी रहती है। पीछे नहीं पड़ूंगी, तू फिर जाके उन लोगों का सर फोड़ेगा। जान तो मेरी जंजाल में फंसेगी। तेरा क्या, तू तो जाके जेल में बैठ जाएगा। अरे नहीं जाएगा मेरी माँ, लेकिन खाम का चिल्लाकर सारा घर अपने सर पे क्यों ले रही है तू? तू सर के बल खड़ा रहे को बोलेगा पन की मेरे को यकीन नहीं आएगा। तेरे को जेल से इतना ही प्यार है, मैं घर को जेल बना के देती ना। चल चल चल, छोड़ा। क्यों मजाक कर रही है, खोलना। नहीं खोलती, पर मेरे को बहुत भूख लगा है रे, तू पका के खिलाती ना। ए कमो, चुप करके बैठ। क्या करती है, खोला। अरे रात खत्म हो गई, बाटली खत्म हो गई, चलो चाय पी ले। अरे चल, हरा तेरा चाय। चाय पी गए, मेरा रंग काला हो गया, पहले मैं कितना गोरा था, है ना? तू गोरा कब था? हा? अरे जब अंग्रेज लोग यहाँ थे। अरे वो काला अंग्रेज, अब जल्दी से उठ और काम पर चल। ले माँ, तू ही चाय पिला, सुबह सुबह खिटखिट लगाई है। अरे जब देखो काम काम काम, अरे कभी प्यार से तो बातें की है? प्यार मोहब्बत सिनेमा नाटक में होता है, घर में नहीं। अरे इतना तो मालूम है, ये ओ ओ, ओ सिनेमा देखा है ना, उसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी को चांद देखा रहा था ना, मान ले क्या। अरे
कहाँ चांद है? ओ आ चांद, ओ वो आ। अरे ये चांद है या सूरज है? अरे हमेशा फिल्मों में दिन में चांद दिखा था, रात को सूरज। और ये क्या कर रहा है? छोड़ मेरा पल्लू, छोड़। अरे पहुँचे के इंतजाम कर दो। अरे सुबह सुबह गटर का पानी नहीं पिएगा तो काम नहीं चलेगा। अरे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहुँचे के बगैर जुल्फों कहीं नहीं चलेगा। मैं कहती हूँ बकवास बंद कर, पहले चाय नहीं पीऊंगा। पढ़ लिख कर आदमी महान बन सकता है, पढ़ लिख कर आदमी महान बन सकता है। हम भी पढ़ लिख कर महान बनेंगे, हम भी पढ़ लिख कर महान बनेंगे। पढ़ लिख कर आदमी महान बन सकता है, पढ़ लिख कर आदमी महान बन सकता है। हम भी पढ़ लिख कर महान बनेंगे, पढ़ लिख कर आदमी महान, पढ़ लिख कर आदमी बनता है। अरे राजू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। देखो तो क्या लिखा है? नहीं, आप देखेंगे तो हंस पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, आपकी तरह पढ़ना लिखना नहीं आता है। दो वक्त की रोटी कमाने के लिए बंदरों की तरह सड़कों पर नाचना पड़ता है। राजू तुम अपने काम को इतना छोटा क्यों समझते हो? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। यह तो सिर्फ आप कहती हैं, बाकी दुनिया तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप मुझे पढ़ाएंगे ना? जरूर, क्यों नहीं, लेकिन जब तक तुम पढ़ लिख कर किसी काबिल ना बन जाओ कोई दूसरा काम तलाश कर लो। मुझे काम कौन देगा? मैं दिलवाऊंगी। नहीं, मेरे लिए अपने आप को छोटा करके मुझे और छोटा मत बनाओ। तुम मेरी नजरों में बहुत बड़ी हो राजू। तुझको ही तो वो हक है कि जो तू वो कर सकती है। आज दिल खुश है हद से ज्यादा, ये दुनिया जन्नत लगती है। आज दिल खुश है हद से ज्यादा, ये दुनिया जन्नत लगती है। तुझको ही तो वो हक है कि जो तू चाहे वो कर सकती है। आज दिल खुश है हद से ज्यादा, ये दुनिया जन्नत लगती है। पहले कभी दिल किसी को दिया, मेरी जान सच है क्या ये बता दे मुझे। तेरे दिल की कसम अपनी जान की कसम, जिंदगी में सनम सिर्फ चाहा तुझे। आज का दिन सौगात का है, सपनों की मैंने सारी जिंदगी लिख दी है तेरे नाम। तुझको ही तो वो हक है कि जो तू चाहे वो कर सकती है। आज दिल खुश है हद से ज्यादा, ये दुनिया जन्नत लगती है। Oh,
तेरी जुल्फ में हम आज ऐसे घिरे अब निकलने को दिल करता ही नहीं। मैं भी चाहूं कि यूं ही उलझे रहूं पास रह के भी दिल भरता ही नहीं। जब दिल से दिल यूं मिल गए सकती है। आज दिल खुश है हद से ज्यादा ये दुनिया जन्नत लगती है। आज दिल खुश है हद से ज्यादा ये दुनिया जन्नत लगती है। सेठ, आपका सोना सही सलामत गोदाम में पहुंच गया है। फैंटास्टिक, तुम वहीं ठहरो, मैं अभी पहुंचता हूं। ओके सर। तुम? हां मैं। शक्ति के होते हुए तुम्हारा माल कहीं भी सलामत नहीं, जैसे कि आज तुम्हारी जान सलामत नहीं। महेश, ये माल दीवान जी तक पहुंचा दो। मैं जरा इनका इंतजाम करता हूं। बच्चे गुलेल चलाते हैं, पिस्तौल नहीं। और सुनो, अपने बॉस से कह दो कि ये धंधा छोड़ दे और इस गोदाम में भैंसे पाल ले। दो चार सिर दूध निकलेगा तो बेचारी की रोटी तो चलेगी। की ममता को तड़पा रहे हो, किस लिए खून के आंसू रुला रहे हो? प्रभु,
कितने बरसों से मैं तुम्हारे द्वार से खाली हाथ लौट के जाती रही हूँ। कुछ तो तरस खाओ, कुछ तो तरस खाओ। भीख मांगती हूँ मैं तुमसे, मेरी झोली मेरे बच्चों के प्यार से भर दो, मिला दो मुझे उनसे, मिला दो मुझे उनसे। बेटा, ये तुम्हें ये रोती रहोगे? रोने तो और क्या करूं भैया, मैंने अपनी आंखों से अपने जिगर के टुकड़े को खून में लथपथ और तड़पते हुए देखा है। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं उसे अपने हाथों से पानी भी न पिला सकी। भगवान जाने वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा, अगर उसे कुछ हो गया तो। हौसला रखो भाभी, वो जहां भी होगा ठीक ही होगा। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। अगर उस दिन तुमने मेरी बात सुन ली होती तो आज मैं लाखों के घाटे में नहीं होता। परसों दीवान का साथी शक्ति आंधी की तरह आया और तूफान की तरह मेरा माल लूटकर हवा हो गया। खैर, ये लो पियो और इस हसीना की तस्वीर गौर से देख लो। कहने का कोई
नाचती हैं आप। थैंक यू। लेकिन अचानक नाचना बंद क्यों कर दिया? क्योंकि वक्त खत्म हो गया जी। नहीं, वक्त तो अब शुरू हुआ है। किसका? मेरा। आपका? जी। आपकी तारीफ? खाकसार को प्रेम अहुजा कहते हैं। आपने अपना नाम प्रेम क्यों बताया? क्योंकि प्रेम से कभी तुम्हें प्रेम था। मैं किसी प्रेम को नहीं जानती। वक्त के साथ दिल बदल सकता है, चेहरा और आवाज नहीं। दीवान का सोना आज माँ डायलिंग पर रात 11:30 बजे उतरेगा। तुम्हारा कोड होगा कोहिनूर। जवाब है ताजमहल। ये आवाज तुम्हारी ही है ना? ऐसी कई बातें मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुके हो, लेकिन अब ज्यादा जानने के लिए तुम जिंदा नहीं रहो। निगाहों के तीर चलाकर तो तुम जान ले सकती हो, मगर इस रिवॉल्वर से नहीं, क्योंकि इस खिलौने की चाबी मेरे पास है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आज से कुछ दिन पहले 50 लाख के हीरों के साथ रॉबर्ट नाम का एक आदमी हांगकांग से बॉम्बे आया था, लेकिन वो आदमी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकला। कहां है वो? मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें सब मालूम है, लेकिन दीवान को इस कसट के बारे में कुछ नहीं मालूम। और अगर मालूम हो गया तो रॉबर्ट कहां है? पुलिस की हिरासत में। आओ भाई, मेहमानी खाने आयो। ब्रदर, बहुत दिनों से खा रहा हूं, और फिर ये तो यूं ही कभी कभार खास दावत के लिए बुला लेते हैं। अभी अभी वहीं से आ रहा हूं। लेकिन तुम तो नहीं मालूम होते हो कब आए। अभी अभी आ रहा हूं।
अभी अभी आए हो तो कोई बीड़ी सिगरेट तो पास होगा। मैं तो 14 दिन का राशन पानी साथ लेकर घूमता हूँ। दे आई हुआ शौक फरमाइए। थैंक यू। तो चप्पल चोरी किया था क्या? अरे नहीं भाई, किसी की जेब काटी थी, पॉकेट मारू ना। लेकिन तुम क्या करते हो? मैं जो काम करता हूं उसका करना तो रहा एक तरफ, तुम कभी उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसा कौन सा काम है? है जिसका अंजाम कभी तख्त होता है या तख्त। क्या तुम एक ही झटके में 50,000 कमाना चाहते हो? 50,000? काम क्या करना होगा? तुम्हें सिर्फ एक किताब भोलानाथ एडवोकेट के दफ्तर से दूसरी जगह पहुंचानी होगी। लेकिन वो मुझे पहचानेगा कैसे? जानने पहचानने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि वो खुद भी नहीं जानता। तुम्हें वो किताब चोरी करनी होगी। कब? यहां से छुटे ही। ए हीरो बस कर, अभी जब ही सर पे टोकरी रखेगा ना तो एकदम जीरो बन जाएगा। देख अपुन के मुंह आज ज्यादा मत लगा, अपना भेजा बहुत फिरेला आज। अल्लाह तेरे पास भेजा है क्या? अरे जाके किसी ऑफिस में बैठ जाना, रोड मास्टर क्यों बना हुआ है? समझा दे अपुन को बहुत गुस्सा आ रहा है। बड़ा आया माँ का लाडला, तेरे को सड़क से उठा के लाए तो इतना भाव खाता है। अगर तेरा सच्चा बेटा होता ना। चुप रह, हाथ भर कर जबान चलाती रहती है, जबान नहीं चलाएगी तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चुप बैठता है? तू चढ़ा उसको सर पे, मैं नहीं सर पे चढ़ाने वाली। जब देखो अंगारे बरसाती रहती है, उसे जरा भी चैन से नहीं बैठने देती, मरी कहीं। बैठा ही तो रहता है वो, तो मैं अपनी जान जोखिम में डालती हूँ तो बैठ के ऐश करता है। अगर मैं एक दिन अपना कमाल ना दिखाऊँ ना तो इसके वड़ा पाव के वांदे हो जाए। अरे देखता हूँ किसका वड़ा पाव का वांदा होता है। अकेला लगाना मजमा अपना, अपन तेरे साथ जाने वाला नहीं, क्या समझे? अरे राजू कहाँ जा रहा है? अरे जान दे रहा माँ, मैं अपना मजमा अकेले लगा लूंगी। चल बापू उठ के तैयार हो जा, जल्दी कर। पलट, तेरा ध्यान किधर है? इधर आओ भाई लोग, इधर आओ। खेल में कुछ नहीं रखा, गेम का खराबी और पैसे का बर्बादी। इधर आओ, इधर आओ, शाबाश। हाँ तो भाई लोग, जंगल के जड़ी बूटी से बना हुआ, हिमालय के पत्थरों से पीसा हुआ, ढाके के मलमल में छरा हुआ फकीरों का नुस्खा है, फकीरों का। इसका नाम है राजू मंजन। धाड़ में दर्द हो, मसूरों से खून बहता हो, या दांत में पारिया लगाइए और आराम उठाइए राजू मंजन से। कीमत सिर्फ एक रुपया, एक रुपया, एक रुपया, सिर्फ एक रुपया, एक रुपया, एक रुपया, कीमत सिर्फ एक रुपया। भाई कोई खरीदने वाला? ए मुझे क्या भाई? हाँ ये लो भाई, ये लो, मुझे दो देना। हाँ दो लो भाई, तुम भी दो लो, ये लो। ये देखो भाई ने दो खरीदा हुआ है, ऐसा फर्स्ट क्लास चांस दोबारा नहीं आने वाला है। क्या? क्योंकि कल ये इधर नहीं आने वाला है। ये देखो तुम लोगों को ठग रहा है, इसके अंदर रेत भरी हुई है, रेत उल्लू बना रहे तुम लोगों को। मारो साले। किधर? कहाँ भाग रहे हो बेटा? मंजन, मंजन, मंजन। अच्छा मंजन। हाँ बोला था। नहीं बोले पाप, नहीं छोड़ना, नहीं साले को पकड़ लो। हाँ हाँ बच्चू। टक 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 भागता है, मुझे बेवकूफ बनाता है, हम हवादार नहीं बनाऊ, समझे? हाँ चल सीधा जा। अरे जा जा जा, मजमा तो तेरा लग गया। राजू की बात कर रही हैं? वो मंजन कहाँ? रेत बेच रहा था। रेत? मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा लड़का नहीं है। पता नहीं इस चक्कर में कैसे फंस गया। एनीवे मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, अगर आप उसे छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेहरबानी की क्या बात है, हम तो उसे वैसे छोड़ने वाले थे, यूं ही जरा डराने धमकाने के लिए रोक रखा था, आप कहती है तो छोड़ देते। शुक्रिया, लेकिन आप उसे बताइएगा नहीं कि मैंने उसे छुड़वाया है। बहुत अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। हवलदार। यस सर। उस लड़के को छोड़ दो। कौन से? वो रेती वाले। रेती वाले को? हाँ हाँ रेती वाले को। आप बड़े हैं, पकड़ना हमारा काम, छोड़ना आपका काम। अरे वारे रेती वाले। चौदह दिन वाले हो तुम, 7 दिन वाले, बूढ़ा बैठ जाओ। हाँ रेती वाले। क्या
जाओ। क्या? जाओ। मेरे को छोड़ा जाओ हवलदार। बिल्कुल। अरे जियो हवलदार। तुमको जाने के लिए कहा, इसके लिए नहीं कहा। जाओ। गया हवलदार, गया। कमाल है ये आदमी की, उम्र देखता नहीं कुछ भी। वर्षा, ये वक्त है तुम्हारा आने का। सॉरी डैडी, आज थोड़ी देर हो गई। वक्त से पहले जागो वरना बहुत देर हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता मेरे पढ़ाने से आपको इतना। मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही हूँ। क्यों? पुलिस स्टेशन से उस बाजारी गुंडे को छुड़वा के बड़ी इज्जत बढ़ाई है तुमने मेरी, बड़ा नाम रोशन किया है। कान खोल के सुन लो वर्षा, मैं तुम्हारे सर से हमेशा के लिए ये समाज सुधार का भूत उतार के ही रहूंगा, समझी? डैडी, नाउ गो टू योर रूम। गोली मार दूंगा। अंकल गोली मत चलाइएगा, मैं शंकर हूं। ये चोरों की तरह पिछले दरवाजे से आने की क्या जरूरत है? ये सब आपकी मेहरबानी है अंकल, कभी मुझे चोर बना देते हैं, कभी जेल भिजवा देते हैं, सीधा साधा इंस्पेक्टर तो रहने नहीं देते। लेकिन रात को 2 बज रहे हैं, आप अभी तक सोए नहीं? जब जूनियर जाग रहे हो तो मैं कैसे सो सकता हूं? बेटे, आईजी बनने के बाद कोई भी चैन की नींद नहीं सो सकता। चैन की नींद मैं भी बचपन से नहीं सोया हूं, हर वक्त मेरी आंखों के सामने मेरे बाप की तस्वीर। खैर छोड़िए, मां कहां है? तुम्हें अपने बाप के कातिल की तलाश है और तुम्हारी मां को अपने खोए हुए बेटों की। Yes. आपकी जबान पर अंग्रेजी है और मेरे हाथ में अंग्रेजी किताब। सॉरी, हम किताबों का धंधा नहीं करते। हाँ, लिखने पढ़ने में रखा ही क्या है, लेकिन इस किताब में आपकी किस्मत की कहानी लिखी हुई है, क्योंकि इस किताब का नाम है AIR 1977। कौन हो तुम? खाकसार का नाम शंकर है और इस किताब का दाम 50,000, जो रॉबर्ट ने मुझे आपसे वसूल करने के लिए कहा है। कहां से बोल रहे हो? मैं महाराष्ट्र सब स्टेशन वर्सोवा से बोल रहा हूं। ठीक है, तुम वहीं इंतजार करो, मेरा आदमी महेश थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। महेश, अंदर बैठ जाओ। लाओ ये किताब मुझे दे दो। शंकर बगैर माल के ना किसी को कुछ देता है ना किसी से कुछ लेता है, और ये तो बंबई है साहब, यहाँ तो मौत भी मुफ्त नहीं मिलती। मौत तुम्हें मुफ्त मिल जाएगी। कौन? लिली? सही पहचाना, आवाज भी वही है, चेहरा भी वही, सिर्फ वक्त बदल गया है। वक्त बदला नहीं, वक्त खराब आ गया है तुम दोनों का। हम दोनों का नहीं, सिर्फ तुम्हारा। Thank you.
मत ले ली। बस अभी वो सिर्फ रुपयों के साथ घर पहुंच जाएगा। मैंने हीरो का सौदा पहले ही पक्का कर लिया। लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब डर काहे का? ये देखो हम दोनों के पासपोर्ट्स और हांगकांग के टिकट्स। थोड़ी देर में हम दोनों आसमान में होंगे और दीवान जी जमीन पर हाथ मलकर हमारा हवाई जहाज देख रहे होंगे, है ना? हेलो महेश, मैं शंकर बोल रहा हूँ। आपके गुलाम महेश ने आजादी का ऐलान कर दिया है। क्या बकते हो? ये कोई नई बात नहीं। जंजीरें तोड़ के भागना तो गुलामों की पुरानी आदत है। तुम्हें कैसे मालूम? अगर आपको यकीन नहीं आता है तो खुद जाकर महेश के फ्लैट में अपनी बर्बादी का तमाशा देख लीजिए। तुम चाहो तो हांगकांग में हम तुमको सारा पैसा डॉलर में दे सकता है। सेठ जी, पैसा वही अच्छा होता है जो अपनी जेब में हो। और औरत? औरत वही अच्छी होती है जो अपनी बाहों में हो। बात तो सोला ने ठीक कहता है। कांच के भाव में हीरे दे रहा हूं सेठ जी, ये लीजिए माल निकालिए। वरी गिन लो, पूरे 20 लाख रुपए हैं। मुझे आप पर पूरा यकीन है सेठ जी, अब अगर गिनने बैठूंगा तो यही सवेरा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। नमस्ते लिली, यू बेटर गेट वेरी फास्ट। जब मौत आती है तो वह आजादी के ख्वाब देखता है। नवाब हराम, दो कौड़ी की इस बाजारी औरत के लिए तूने अपना ईमान बेच दिया। हम तुझे ऐसी भयानक सजा देंगे इस 7 जन्म तक तेरी रूह तौबा पुकारेगी। उसन की जहरीली शराब पीकर ही इस कमबख्त ने बरसों पुरानी वफादारी पर थूक दिया। अब इस खतरनाक बीमारी का इलाज दीवान जी खुद अपने हाथों से करेंगे। तब तक के लिए यह कमरा एक जिंदा कब्र बन जाएगा। नहीं। और तू 1000 बार जिएगी, 1000 बार मरेगी। जकड़ दो रस्सियों से इस हराफा को। पहले मैं इसकी गद्दारी की कहानी दीवान जी को सुनाऊंगा, फिर उसके बाद मेरी कहानी भी तो सुनते जाओ। कौन हो तुम? वही जिसने इसकी नमक हरामी का राज तुम्हें बताया। मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि यह नमक हराम है? क्योंकि नमक हरामों की शक्ल पे नमक नहीं होता। मुझे मेरा इनाम नहीं मिला। अभी देता हूं। मैं तो भूल ही गया था, ठगों के बाजार में दौलत ईमानदारी से नहीं ताकत से वसूल की जाती है। हाँ,
मैं काम करता हूं तो पैसे वसूल करना भी जानता हूं। बहादुरों में पीछे से वार नहीं किया करते संपत, बल्कि उन्हें दोस्त बनाकर उनकी कद्र किया करते। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, तुमने तो कमाल कर लिया, क्या बात है। अबे ओ काट के उलुओ, तुम जिंदगी भर चख पाते रहे, और शंकर ने एक ही रात में मैदान मार लिया। शाबाश, हम तुमसे बहुत खुश हैं, बेहद खुश हैं। ये लो और लो। जोश में कहीं होश मत खो बैठना, तुम्हारे तो हवास उड़ रहे हैं। हवास मेरे नहीं, आप दीवान के उड़े होंगे, आज पहली बार उसने मुंह की खाई है। सेठ, ये तो मेरी कारीगरी का पहला नमूना है, अब तो एक के बाद एक ऐसी कई चोटें कई जख्म लगेंगे दीवान के दिल पर, और एक दिन ऐसा आएगा सेठ जब दीवान ऐसा ही हीरा चाट कर खुदकुशी कर लेगा। वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे हसीन दिन होगा। दीवान, तुम मेरे दांत तोड़ना चाहते थे ना, अब जल्द ही मैं तेरी कमर तोड़ दूंगा। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं। हमें और हमारी ताकत को जानते हुए भी तुम हमारी जिद से टकराने की भूल कर बैठे हैं? और ये भी वह कि औरत के इशारों पर नाचने वाला मर्द उस मोर की तरह होता है जो प्यार में कुछ देर खुशी के साथ नाचता तो है लेकिन बाद में उस बेचारे को रोना ही पड़ता है। आज तुम भी अपनी बेवकूफी पर रोना चाहोगे मगर हम तुम्हें रोने नहीं देंगे महेश, बल्कि वो खुशी देंगे जो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश थी। कुर्सी जाओ महेश, बैठ जाओ उस कुर्सी पे, जाओ। बैठो, बैठ जाओ उस कुर्सी पे, बैठ जाओ उस कुर्सी पे। क्यों महेश, खुश हो तुम? नहीं, अरे कमाल है, हमने इसके लिए इतना कुछ किया, इसके चेहरे में मुस्कुराहट भी नहीं है। नहीं, हंसो महेश, हंसो। शाबाश, देखो हंसा, हंसा। देख लिया अपने साथी का अंजाम हाँ? महेश, तुम्हारी लीली को मैं अभी तुम्हारे पास भेजता हूं। कौन हो तुम? शंकर, रॉबर्ट का दोस्त। शंकर ने हमें महेश के गद्दारी की खबर दी थी। आदमी काम के लगते हो। सही पहचाना, आपकी नजर काफी तेज है। क्योंकि हम सबको एक ही नजर से देखते हैं। ऐसी ही नजर की तो मुझे भी तलाश है। शक्ति, यह समेश की जगह काम करेगा। क्या सोच रहे राजू? कुछ नहीं, सूरज को देख रहा हूं। थोड़ी देर में सूरज समंदर में डूब जाएगा और फिर सुबह तक अंधेरा हो जाएगा। अपनी जिंदगी का सूरज एक बार बचपन में डूबा था, अब तक अंधेरे में भटक रहा हूं। उस अंधेरे में तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं। नहीं वर्षा, नहीं, गुलामी का अंधेरा सिर्फ मेरी तकदीर में लिखा है। मुझे तो यह भी पता नहीं कि मेरे मां बाप कौन है, हिंदू है या मुसलमान। तुम जो भी हो राजू, सिर्फ मेरी हो। वर्षा, तुम मुझसे रिश्ता जोड़ के भूल कर रही हो। कल की बात आगे बढ़ गई और तुम्हारे पापा ने मुझसे मेरे बारे में कुछ पूछा। डैडी की परवाह मत करो, मैंने उनसे बात कर ली है और वो मान भी गए हैं, बस तुमसे मिलना चाहते हैं।
और हाँ, कल मेरा जन्मदिन है, तुम आओगे ना? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू राजू, थैंक यू वेरी मच। वो तोहफा तो मैं लाया हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा मेरे करीब होना ही सबसे बड़ा तोहफा है राजू। आओ तुम्हें डैडी से मिलाती हूँ। नहीं आप उन इधर ही सुनो। आओ, अरे बाबा आओ ना। डैडी ये है राजू। नमस्ते। आप ही राजू हैं, बहुत तारीफ सुनी थी आपकी। वर्षा तुम जरा मेहमानों का ख्याल रखो। अच्छा डैडी। मैं चल रहा। तुम कहाँ जा रहे हो? वो आप, मैं समझता हूँ शर्मा रही हो इस फटीचर हालत में, खाली हाथ, और लोग कितने कीमती तोहफे लाए। जी देख रहा। तो फिर इस घर में कदम रखने से पहले अपनी औकात को तो देखिए होता। हेलो आईजी साहब। ओ खोसला साहब। नमस्ते अंकल। बेटा रवि, ये मिस्टर राजू है, वर्षा के दोस्त। हाउ डू यू डू? एक मिनट। हाँ हाँ राजू। इन्हें अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं आती, पढ़ाई से कोसों दूर रहे हैं। मगर आप तो कह रहे थे ये वर्षा के दोस्त हैं। हाँ दोस्त तो हैं ही, लेकिन कुछ और भी बनना चाहते हैं। यही तो खराबी इन छोटे लोगों में, अगर कोई रईस आदमी इन पे तरस खा जाए तो वो सीधे कलाबाजी खा के फुटपाथ से महलों के ख्वाब देखने लगते हैं। व्हाट आई मीन, आप करते क्या है? जी मैं वो आपके खेल तमाशे। हेलो आईजी साहब। आइए आइए दीवान। कैसे हैं? बस वंडरफुल। बेटी वर्षा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे, ये रहा हमारी तरफ से नाचीज तोहफा। थैंक यू अंकल। भाई तुम्हारे अंकल क्या लाए हैं, हम भी तो देखें। वाह वाह वाह, है ना आज की शाम का सबसे कीमती तोहफा। जी डैडी। अजनबी
प्यार है बस ये गम, फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम। फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम। एक दिल का दुश्मन, फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम। कब तक रो रोकर अपनी जान जलाती रहोगी? जिसकी तकदीर आंसुओं से लिखी हो वो रोए ना तो क्या करे। तकदीर पर तो बुजदिल और कमजोर रोते हैं बेटी, तुम तो दूसरों को हिम्मत और हौसला देती हो और खुद इतनी जल्दी हार गई। हारी नहीं, लेकिन मैं राजू की बेइज्जती भी तो सह नहीं सकती। डैडी ने भरी महफिल में उसने कीचड़ उछाला सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है। तमाम मेहमानों के सामने उसे जलील कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो औरों की तरह हीरे मोतियों का हार नहीं ले आया और सिर्फ ये मेडल ले आया। ये मेडल? हाँ, यही तो राजू लाया था मेरे लिए। ये मेडल तो मेरे पति को सरकार ने इनाम में दिया था। क्या कह रही हो आंटी? हाँ बेटी, उस रात जब बबलू मुझसे पिछड़ा तो ये मेडल उसकी कमीज पर लगा हुआ था। मेरा दिल गवाही दे रहा है, राजू ही मेरा बबलू है। अरे मदद तो कर ही रहा हूँ। संभाल के पकड़। एक खेल है, हंसते हंसते खेल जाना, डरना नहीं। मौत भी आ जाए तो हंसते हंसते खेल जा बाबू। संभाल मेरे बच्चे। अरे मदारी का बच्चा है, डरना नहीं, इज्जत रखना। हाँ thank you.
यार बहुत सीरियस है, प्लीज। भगवान मेरे बच्चे को बचा लो, भगवान मेरे बच्चे को बचा लो। लिली तो मर गई मगर जाते जाते अपने पीछे खून की एक लकीर छोड़ गई, और अगर उस लकीर को सूंघते हुए पुलिस के कुत्ते यहां पहुंचे तो मेरे गले में फांसी का फंदा होगा और तुम्हारे हाथों में हथकड़ी होगी। यह कैसे हो सकता है दीपांजी? बहुत आसानी से। उस मदारी लड़के की आंखों में मेरी तस्वीर अब तक बाकी है जिसने उस रोज मुझे कत्ल करते हुए देखा था, और उसका बयान मेरे लिए मौत का पैगाम बन सकता है। इससे पहले कि उसकी जुबान खुले, मैं उस मदारी की जिंदगी का खेल हमेशा के लिए खत्म करूंगा। फैलाकर भी मांगती हूँ, इस झोली में मेरे बेटे की जिंदगी डाल दो, मैं तुम्हारा उपकार मरते दम तक नहीं भूलूंगी। अब बेफिक्र, हर खतरा आपके बेटे के सर से हमेशा के लिए टल जाएगा। शक था कि तुम पुलिस के आदमी हो। उस दिन भी तुम्हारा शक गलत और खोखला था, और आज भी बेबुनियाद है। नकली इंस्पेक्टर बनके ऐन मौके पे आकर असली पुलिस से मैंने तुम्हारी जान बचाई है। पहचाना इसे? राम सिंह। हाँ, तुम्हारा वफादार साथी। असली पुलिस वो रही। इसका मतलब है तुम सबने नकली पुलिस बनकर लोगों की आंखों में धूल झोंकी। जिंदगी में वक्त बेवक्त ऐसे खेल खेलने ही पड़ते हैं जिससे झूठ सच नजर आए और नकली असली। तुम दीवान के मामलात की तह तक पहुंचे या नहीं? मैंने दीवान के दिल में जगह तो बना ली है अंकल, और उसे यह भी यकीन दिला दिया है कि राजू अब इस दुनिया में नहीं है। गुड, वेरी गुड। कल सुबह का अखबार पढ़ते हुए उसे पूरा यकीन आ जाएगा, और फिर तुम्हारा काम बिल्कुल आसान है। भगवान मरने वाले की आत्मा को शांति दे, बेचारा बड़ा नेक आदमी था। शंकर, हम तुमसे बहुत खुश हुए, और आज से हमारी नजर इनायत तुम पर रहेगी। दारी के धंधे में खोटे हीरे बेचने आए हो? क्या कह रहे हो?
तुम्हारी नजर खोटी हो सकती है, मेरे हीरे नहीं। तुम्हारे हीरे भी तुम्हारी नियत की तरह खोटे। ये कांच के टुकड़े नहीं सेठ जी, ये असली हीरे हैं। ये शंकर ने अपनी जान पर खेलकर मेरी हथेली पर धरे। इसका मतलब शंकर तुमसे भी बेहतर हथेली पर सरसों जमाना जानता। वो तुम्हारी पीठ में गद्दारी का खंजर फोंक कर असली हीरे लेकर फरार हो गया। नहीं, इधर का उधर से निकल सकता है, लेकिन शंकर मुझे धोखा नहीं दे सकता। दे सकता नहीं, दे चुका है। तुम्हें ये कांच के टुकड़े देखा। नहीं तो क्या करती? परसों तुझे मिलूंगी नहीं, तुझे देखूंगी नहीं, तो जिंदा कैसे रहूंगी? जैसे मैं जिंदा हूं मां। क्या तू वो खूनी रात भूल सकती है जब एक जालिम ने तेरे पति को गोली का निशाना बना दिया था, तेरे छोटे छोटे बच्चों को यतीम कर दिया था, याद है ना मां? हाँ बेटा हाँ, मैं भला वो भयानक रात कैसे भूल सकती हूँ? मेरा घर बार, मेरा सारा संसार नष्ट हो गया था। आज तक मैं जख्म मिट्टी से तड़प रही हूं, रो रही हूं। तू औरत है मां, तू तो रो भी सकते। मैं तो रो भी नहीं सकता। मुझे डर है कहीं मेरे आंसुओं से मेरे दिल पे पड़े पिताजी के खून के दाग धुल ना जाए। जिस इंतकाम की भट्टी में मैं बचपन से चल रहा हूं, कहीं अब पूछ ना जाए। मां, मैं उस खूनी के किले के दरवाजे तक पहुंच चुका हूं, जिस दरवाजे के पीछे वो भेड़िया अपने खून से रंगे हाथ कछुए की तरह समटे बैठा हुआ है। अब मैं उस भेड़िए को उसी किले में तपना दूंगा मां। बस मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए। मुझे आशीर्वाद दे मां। बेटे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। भगवान तेरी रक्षा करे और तुझे तेरे मकसद में कामयाब करे। मां अब तो जाए यहां से। कई लोगों को मेरी असलियत का पता चल गया कि मैं पुलिस अफसर हूं और अपने मकसद के खातिर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा हूं, तो सारे किए करा में पानी गिर जाएगा। ये क्या कर रही है तू? पागल हो क्या? ये क्या फेंकम पा कर रही है? छोड़ मेरा हाथ, हाथ में को लगा मेरे को। आज से तेरे को मेरे को कोई वास्ता नहीं। तू एक नंबर का धोखेबाज है। क्या धोखा किया मैंने? क्यों झूठा इल्जाम लगा रही है? मैं इल्जाम लगाती? यही तुम्हें अमीर लोगों का इंसारत है ना? गरीब लोगों का दिल दुखा के मजा लेना। मेरी बेची हुई खिलौने से दुनिया खेलती है और तू मेरे को ही खिलौना बना कर खेलने लगा। मुझे सब मालूम है। बोल, वो तेरी माँ नहीं थी? तू पुलिस नहीं है? हाँ कमो, ये सच है, वो मेरी माँ है और मैं एक पुलिस अफसर हूँ। तो फिर ये धोखा नहीं तो क्या है? ये एक सरकारी राज है कमो, जो मैं किसी को बता नहीं सकता। अब मैं तेरे वास्ते किसी हो गई? तू हर बात का टेढ़ा मतलब क्यों निकालती है? कभी तो सीधा चला कर। अभी चल, को किधर को जाना है? पुलिस स्टेशन? ये झूठी सच्ची बात है, मैं नहीं सुनने वाली। मैं तेरी क्या भी नहीं सुनने वाली। कमो, मैं तुझसे प्यार करता हूं, सच्चा प्यार।
की लगाई हुई आग अभी तक बुझी नहीं और तुम भी जलाने के लिए आ गई। क्या बात है जी साहब, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ, पिछले कई दिनों से कातिल ने परेशान कर रखा है। पहले उसने एक कैबरे डांसर की जान ली, अब उस मासूम बच्चे को भी मार डाला जो उस वारदात का अकेला चश्मदीद गवाह था। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, गिरफ्तार कर लीजिए उसे। पुलिस सबूत के बगैर किसी पे हाथ नहीं डालती। वो कातिल जुर्म के समंदर की एक बहुत चालाक मछली है, लेकिन बहुत जल्द उस मछली के मुंह में कानून का कांटा होगा और पुलिस के हाथ में डोर। और अगर उस मछली ने अपने फौलादी दांतों से उस कांटे को चबा डाला और उस डोर को काट फेंका तो? डोर टूट सकती है, कांटे टूट सकते हैं, लेकिन वो उस जाल से कैसे बचेगा जो मैंने अपने दिमाग से बुनकर समंदर की तह तक फैला रखा है। मगर उस जाल का तो कभी आपने जिक्र नहीं किया। पुलिस की कुछ चालें शतरंज के घोड़े की तरह होती हैं, जिसका रुख एक तरफ होता है, चलता दूसरी तरफ है, मारता तीसरी तरफ है। मान गए आपके दांव पेच को आईजी साहब, अब ऐसी कुछ इंतजाम उस हीरे जवाहरात की नुमाइश कभी कर दीजिए। उनका इंतजाम तो ऐसा किया है कि जमीन से एक चूंटी भी अंदर दाखिल नहीं हो सकती। पुलिस का चारों तरफ सख्त पहरा होगा। हजार खतरे हों, हजार पहरे हों, हमें हर हाल में अपने मकसद में कामयाबी हासिल करनी है। और कामयाबी उसे मिलती है जो अर्जुन की तरह ज्ञान ध्यान बांध तीनों को विश्वास की डोर से बांध कर कमान उठाता है, तभी उसका तीर सीधे जाकर मछली की आंख में लगता है। और सच्चे निशानची की असली पहचान उसकी आंख होती है, जो हीरे हासिल करते वक्त हीरों पर होती है और सिगार लाइट करते वक्त लाइटर की लौ पर। लाइट प्लीज। हमें बड़ी खुशी है कि तुम हमारी बात बड़ी गौर से सुन रहे थे। गौर से सुनना और गौर से हर चीज को देखना मेरी बचपन की आदत है। बचपन की आदत ही जवानी की खूबी बन जाया करती है। जैसे शक्ति ने एक बार बचपन में रोटी के टुकड़े पे हाथ डाला था और अब पलक झपकते ही लाखों के हीरे यूं उड़ा लेता है, और उस नुमाइश में रखे हुए करोड़ों के हीरे जवाहरात भी सिर्फ शक्ति उड़ा सकता है। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। बेशक कर सकते हो, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें अकल के घोड़े बहुत दूर तक दौड़ाने पड़े, और मैं तो उस इमारत पे कमन फेंक भी चुका हूँ और उस रस्सी पे चलकर वो लड़की मौत के कुएं में कूद भी चुकी है। कौन है वो लड़की? हेर लड़की। अंदर नहीं बुलाऊंगी। हाँ,
मेरे को बहुत खराब लग रहा है। आप पहली बार आए हैं, किधर बैठा हूँ, कोई जगह नहीं है। जगह है तो दिल में होनी चाहिए। वो तो है। तो फिर थाम लो मेरा हाथ और वचन दो मुझे कि तुम मेरा साथ हमेशा निभाओगी। जल्द ही महलों का ऐशो आराम तुम्हारा मुकद्दर होगा, रानियों की तरह राज करोगी तुम। सिर्फ आखिरी बार रस्सी पे चलकर तुम्हें एक बिल्डिंग में पहुंचना होगा। जब तुम्हारी बहू का सहारा है तो मैं क्यों बेसहारा होकर रस्सियों पर डगमगाती फिरूं? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन करोड़ों के हीरे जवाहरात हासिल करने के बाद। हीरे जवाहरात क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम रस्सी पे चलकर उस इमारत में पहुंचो और मुझे वो करोड़ों के हीरे लाकर दो जो इस वक्त उस नुमाइश में कूड़े करकट की तरह है। वो महल, आराम, सफरी था, झूठ था। वो झूठ नहीं, एक जिंदा हकीकत है बिजली। वो दौलत, वो महल सिर्फ एक रात में हमारे बन सकते हैं। नहीं, मैं किसी कीमत पर चोरी नहीं करूंगी। जिंदगी भर सड़कों पर भीख मांगने से एक रात की चोरी कहीं बेहतर है। पागल मत बनो, ये लो 10,000 रुपए पेशगी। बाकी मैं पैसा इतनी नीच नहीं हूं कि कागज के चंद टुकड़ों के लिए अपना ईमान बेच दूं। मैं थूकती हूं ऐसे पैसे पर। चले जाओ यहां से। मैं कहती हूं चले जाओ यहां से। इनकार हुस्न की पुरानी अदा है। तुम तो बहुत ही कच्चे आशिक निकले यार। इतना भी नहीं जानते कि औरत का दिल एक खास किस्म के मोम से बना होता है जो मर्द के प्यार की गर्मी पाते ही पिघलना शुरू हो जाता है। प्यार से मोम पिघल सकता है, पत्थर की मूरत नहीं। मैंने उसे लाख समझाया मगर उसे झोपड़ों की भूख प्यास मंजूर है, पाप से कमाई हुई दौलत का ऐशो आराम मंजूर नहीं। शक्ति, इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें मंजूर नहीं होती, मगर अकलमंद आदमी वो है जो अपनी ताकत से अपनी बात को मंजूर कराना जानता हो। और हम इस मैदान में बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। है कोई माल अरे इसे तो बहुत मार लग गई। चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं। क्या हुआ मेरे बापू को, कहाँ ले गए? ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, अभी अभी कुछ लोग उसे हॉस्पिटल ले गए। लेकिन वो आओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। आओ आओ। मुझे अस्पताल तो पीछे है। पीछे तुम्हारी मौत है। ठीक है, इस कोने से उस कोने तक का फासला उतना ही है जितना उन दो बिल्डिंगों के बीच है जहां से तुम्हें हीरे चुराने हैं। यह फासला तुम्हें 40 सेकंड में तय करना होगा, क्योंकि बिल्डिंग के नीचे पहरा देने वाला सिपाही बिल्डिंग का एक राउंड 50 सेकंड में पूरा कर लेता है। इसका मतलब तुम्हारे पास वक्त है सिर्फ 40 सेकंड। चलो।
पहले चलना होगा तुम्हें। ये नेट हटाओ। बिजली चलो। बचाए मेरे को, मर जाने दिया होता। क्यों? तुम लोगों की कैद से छुटकारा तो मिल जाता। मैंने तुम्हें कैद नहीं किया। काहे को झूठ बोलते हो? रुपए का लालच देने तो तुम ही मेरे घर आए थे। वो मेरी गलती थी बिजली, जिसका एहसास तुमने मेरे मुंह पे रुपए फेंक कर दिला दिया था। कल तक मैं गुमराह था और शायद गुनाहों के अंधेरे में भटकते भटकते मेरी जिंदगी खत्म हो जाती, लेकिन मुझे तुम्हारे प्यार की रोशनी मिल गई है। मैं तुमसे प्यार करता हूं बिजली। तुम्हें सिर्फ दौलत से प्यार है? मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूं। अगर ये सही तो चलो मेरे साथ यहां से। बिजली, तुम जहां कहो मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन दीवान के चंगुलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम उन हीरों को हासिल करके इस पाप की नगरी से कहीं दूर चले जाएं, जहां सिर्फ तुम होगी, मैं होऊंगा और हमारा छोटा सा घर होगा।
तुम यहां क्या कर रहे हो? अपनी ईमानदारी का सबूत दे रहा। बेईमानी का सबूत कहो शंकर, तुम्हारा इस रास्ते पे आना इस बात की दलील है कि तुम्हें मुझ पे और मेरी ईमानदारी पे शक है। बेशक है, क्योंकि ईमानदारी का चौराहा तो तुम बहुत पीछे छोड़ा है और यह रास्ता इसलिए अपनाया है ताकि चोरी का वो सारा माल लेकर तुम हमेशा के लिए यहां से भाग सको। लाओ वो हीरे मेरे हवाले कर। नहीं, ये हीरे मैं जान पर खेल कर हासिल किए। गलत, तुमने चोरी की और चोरी कानून की निगाह में गुनाह। कानून का सबक देने से पहले खुद अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखो कि तुम कौन। एक पुलिस अफसर। बैग मेरे हवाले कर दो। नहीं, ये बैग मैं किसी कीमत पर नहीं दूंगा। इसी तरह ना करती रही और मैं तुझे इसी तरह जलाता रहा तो तेरे आशिक को सिर्फ तेरी राख ही मिलेगी। बोल शंकर कहां है? मेरे हीरे कहां है? मेरे को क्या भी नहीं, मैं किसी शंकर को नहीं पहचानती। ये लो दीवार। एक और आशिक तुम्हारे हाथों शहीद होने को तैयार है। क्या? हैरान होने की जरूरत नहीं, इश्क का नाम ही बगावत है। इसने भी वही किया जो महेश ने किया था। क्या बात कर रहे हो शक्ति? ये क्या किया तुमने? इस रिश्ते को पाते बरसों पुराना नाता तोड़ दिया? ऐसा क्या जादू है इसमें? जरा हम भी तो देखें क्या जादू है। बाकी ईमान खराब करने का पूरा सामान है इसके पास। शंकर, हम तुमसे बहुत खुश हुए, तुमने कदम कदम पर हमारी जान बचाई है। आज ये लाखों के हीरे लेकर आए हो, तुम वाकई तारीफ के काबिल हो। मुझे तारीफ नहीं दीवान जी, इनाम चाहिए। इनाम तो हम तुम्हें आज ऐसा देंगे जिसकी दुनिया में न कोई कीमत है न कोई मोल है। वो देखो, कौन है ये? तुम्हारी माँ है।
है इंस्पेक्टर शंकर वर्मा। आपका जवाब नहीं दीवान साहब, एक लावारिस को फुटपाथ से उठाकर आपने उसे इंस्पेक्टर बना दिया और उसके लिए मामी ढूंढ लाए। थैंक यू दीवान साहब, थैंक यू। थैंक यू के बच्चे, तू इस तरह नहीं टूटेगा, क्योंकि पुलिस की ट्रेनिंग ने तुझे बहुत सख्त और पत्थर दिल बना दिया है, लेकिन हम पत्थरों को बोलने पे मजबूर कर दिया करते हैं। नमूना दिखाऊं? संपत बोल, ये तेरी मां है या नहीं? तू इंस्पेक्टर है या नहीं? ये मेरी माँ है और मैं हूं इसका बेटा। कमीने, तूने मेरी माँ पे हाथ उठाया। मैं ये तो कमाल हो गया, मैं उसको तुम्हारी माँ समझ के मार रहा था ना, पर बेटा तो ये निकला, ऐसे कैसे? ये तो अब कहानी बदल गई। कहानी वही है दीवान साहब, सिर्फ कलाकार बदल गए। कलाकार? हाँ, कलाकार तो बदल गए। हमसे कहा गया था कि ये उसका बेटा है, उसका दावा है कि वो उसका बेटा है, ये भी बेटा, वो भी बेटा, फिर बेटा है कौन? ऐसा तो नहीं कि तुम भी उसके बेटे हो? तुम्हारा शक बिल्कुल सही है दीवान। हाँ दीवान, मैं तुम्हारा दुश्मन जरूर, लेकिन आज मैं तुम्हारी जान लेने नहीं, जान बचाने आया। शंकर पुलिस इंस्पेक्टर, वो उसकी मां और ये इसकी महबूब। दीवान साहब ये झूठ बोल रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सच ये बताएं, आप इसकी बातों में यकीन? यू शट अप, बंद हो इसे। ये जो गुलफाम है ये तुम्हारा आशिक है। अबे चल, ये ना मेरा आशिक, इसको तो मैं जानती भी नहीं। मैं तो उस 5,000 को पहचानती जो इस धड़ी ने मुझे दिया, और बोला जो मैं बोला वही बोलना। ऐसा प्रेम, सुनो प्रेम, मैं तुम्हारी बात उस वक्त सच मानूंगा जब तुम्हें साबित करके दिखाओगे। खुद ही देख लीजिए, चलिए हंटर। हां मां पर नहीं, बेटों की खाल उधेड़िए तो चोट सीधी जाकर मां के दिल पे लगे। एक ही मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बात पते की करते हो, अच्छी बात है। ठीक है प्रेम, तुम्हारा तरीका आजमा के देखते हैं। तू जबान नहीं खोलेगा, लेकिन तू भी तो सीमा का बेटा है ना? बोल, ये तेरा बेटा है या नहीं? बोल बुढ़िया, ये तेरे बेटे हैं या नहीं? बोल 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 बुढ़िया। बस कर जल्लाद, बस कर, जान लेनी है तो मेरी ले ले, मेरे बच्चों को छोड़ दे, मेरे बच्चों को छोड़ दे। देखा, कहानी भी वही है, कलाकार भी वही है, सिर्फ तुम्हारी अदाकारी बेकार गई। तुमने मां को पहचानने से इनकार किया और मां का दिल अपने जिगर के टुकड़ों को तड़पता हुआ देखकर कांप उठा। पर तू नमक हराम, तेरे भूख से कांपते हुए हाथों को बचपन में रोटी मैंने इसलिए दी थी कि जब इनमें ताकत है तो मेरा ही गला दबा दे। बुढ़िया,
तेरी आंखों को तो हमने रोते हुए कई बार देखा है, मगर आज हम तेरे दिल को रोता हुआ देखना चाहते हैं, अभी और इसी वक्त। अभी तेरा दिल आंसुओं में डूब जाएगा खून में नहाए हुए अपने बेटों की लाश देखकर। लाश तो मैं तेरी गिराऊंगा दीवान, इस मां का तीसरा बेटा भी जिंदा है। जो कोई अपनी जगह से हिला गिरफ्तार कर लो इन्हें। साल पहले तुमने एक इंस्पेक्टर की जान ली थी, उस वक्त भी तुम्हारी यही पत्थर की आंख गिरी थी जिसे एक मासूम बच्चे ने अपनी बेबस निगाहों से देखा था। वक्त ने वही मंजर आज फिर दोहराया है, उस दिन की तरह आज भी तुम्हारी वही आंख गिरी है और वही इंस्पेक्टर का बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है विक्रम सिंह। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, उस वक्त मैं बेबस था और आज बेबस तुम हो। Come on.